सोमवार को अग्निशीन भवन में मारवाड़ी महिला समिति मधुपुर शाखा के द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रदेश महिला समिति की पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष मंजू खंडेलवाल, प्रदेश सचिव प्रभा पांड्या, अंचल प्रमुख शोभा बतवाल ने अवलोकन किया। इस अवसर पर मधुपुर महिला समिति के द्वारा आगंतुक अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर मधुपुर शाखा की अध्यक्ष रूपा गुटगुटिया व सचिव रीना खेड़िया ने अपने कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा वर्ष भर में कई सामाजिक कार्य किए गए हैं, जिनमें अंगदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण को लेकर सावन में सावन मेले का आयोजन, रक्षाबंधन के अवसर पर मधुपुर उपकारा में कैदियों को रक्षा सूत्र बांध कर अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देना, आध्यात्म और संस्कृति से जुड़ने को लेकर शिव महापुराण कथा का आयोजन समेत कई कार्यक्रमों का उन्होंने उल्लेख करते हुए जानकारी दी। मौके पर प्रदेश से आई पदाधिकारी, प्रदेश सचिव प्रभा पांड्या ने कहा कि मारवाड़ी महिला समिति तीन स्तर पर कार्य करती है, राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर और शाखा स्तर। तीनों स्तर के आपसी तालमेल के आधार पर किसी भी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतार पाते हैं और इसे क्रियान्वित कर पाते हैं। इसी कड़ी में हमारी शाखा के मुख्य प्रोजेक्ट अंगदान और प्रौढ़ शिक्षा है, जिसमें अंगदान को लेकर मधुपुर महिला समिति भरपूर सहयोग कर रही है और कार्य भी कर रही है। समिति की सदस्य श्वेता गुरुटिया के द्वारा अपने पति को अंगदान किया गया, जिसको लेकर प्रदेश के पदाधिकारी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। हमारी शाखा की एक मेंबर ने अपने पति को लिवर डोनेट किया, मानी ये तो सत्यता का सबूत है, इसलिए वो जोरदार कार्य होने के लिए कोई भी चीज की कमी किसी को है और उसको दिया जाए तो उनका जीवन भी बचा और आप भी बहुत अच्छा से आगे बढ़ेंगे। दीदी प्रदेश अध्यक्ष मंजू खंडेलवाल ने कहा कि हम सबों का दायित्व है कि समाज में सभी लोग शिक्षित हों, जिसके लिए हमने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। हमने देखा है कि हमारे आसपास गांव के रहने वाले लोग अनपढ़ होने के कारण उनकी ज़मीन को औने पौने दाम देकर अंगूठा ले लिया जाता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि वैसे तबके के लोगों को कम से कम ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वह कुछ पढ़ लिख सके। उन्होंने कहा कि बेटी और बहू में फर्क नहीं समझना चाहिए, जो आज हमारी बेटी है वही कल कहीं की बहू होगी। उन्होंने अपने घर के बच्चों को अपने परिवार के संस्कार, शिक्षा व भाषा की जानकारी देने के लिए सभी सदस्यों को प्रेरित किया। अंचल प्रमुख शोभा पतवाल ने कहा कि समिति के साथ कार्य करने से हमारी पर्सनालिटी में भी बदलाव होता है, साथ ही हम टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह कर पाते हैं। अधिकांश महिलाएं घर का कार्य करने के साथ साथ किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद समिति के लिए समय निकालकर सामाजिक कार्यों में समय देना यह बहुत बड़ी बात है। मौके पर बबीता भोपालपुरिया, सुमन गुटगुटिया, सरोचमड़िया, अनुषा डालमिया, रीना शर्मा, विनीता खेड़िया, रीना लक्ष्मी राम का लीला मोदी, सुमन मोदी, रिद्धि सिंघानिया, मीनू डालमिया, राजलक्ष्मी गनोडिया मौजूद थी। कार्यक्रम का संचालन शालिनी गुटगुटिया ने किया। बहुत छोटी छोटी शाखाएं हैं, वहाँ पे हमारे पास में जो लेबर काम करने आते हैं उन्हें ये भी पता होता है कि कैसे बेटी का खुला जाए, कैसे वो अपनी जमीन का बिना सोचे समझे अंगूठा लगा देते हैं। तो उनके बारे में मैं थोड़ी सोची कि ये जो छोटी छोटी शाखाएं जहाँ पे पेड़ के काम खोलने का आइडिया दी है, तो हमारी शाखा अध्यक्ष है थोड़ा बहुत शिक्षा प्रदान करती हैं, अपने जितनी मेहनत करके अपना रोज शिक्षा का कार्य करती है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके मोदी सरकार भी बहुत ही मैंने जो आदिवासी हैं सभी के लिए बहुत काम कर रही हैं। और एक संस्कार की बात जो आती है दीदी, जैसे मैं भी सभा में आकर आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ पर हाथों में मारवाड़ी, तो थे बोलो तो मैं मारवाड़ी से बात कर रही हूँ है ना, क्योंकि आपका संस्कार मारवाड़ी का है और आपा अपना बच्चा का संस्कार नहीं आगे आज आपका या तो बेटा है या मुन्ना भी बोल दिया या बेटी है, पर वो संस्कार आपका घर से होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है कि सासू माँ भी है, बहुएं भी हैं और बेटियाँ भी हैं। हम अपनी बहुओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? जब अपनी बेटी को हम बहुत मान सम्मान देते हैं तो हम अपनी बहुओं को भी उतना मान सम्मान क्यों नहीं दे पाते हैं? आज जो आपकी बेटी है वो कहीं की बहू है और जो बहू है वो कहीं की बेटी है, तो फिर हम इस
भेद को दूर क्यों नहीं करते हैं? सखी हम लोग तो तुम्हारा काम कर देते सर। वेरी थैंकफुल यू दीदी, आपसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आप लोगों से। और एक जो महिला समिति प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें काम करने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा सिखाती है। आप याद कीजिए, पहले हम सारे दिन गोरख धंधे में लगे रहते थे, लेकिन जब हम किसी और चीज़ को ज्वाइन करते हैं हम वो भी बखूबी करते हैं और अपना नया रोल भी बखूबी करते हैं। तो इसीलिए बहुत शाम से और हर कार्यक्रम को आगे बढ़ बढ़ के दीजिए, हमारी टाइम उतनी ही टाइम में हम दो काम बहुत अच्छा। एवं प्रांतीय सचिव प्रभात आड्या जी का अभिवादन, नमन और स्वागत करते हैं। साथ ही मीडिया से आए हमारे भाई राम भैया एवं समिति की बहनों का भी अभिवादन एवं शाभवा प्रभारी मंजूरी और सोहाली के लिए दो शब्द जो दिल का खूबसूरत हो, जो दिल का खूबसूरत हो, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया वो आज हमारे शहर में आए हैं। आपकी मार्गदर्शन में हमारी समिति ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए, जिससे हमारी समिति की एक नई पहचान मिली और सराहना भी हुई। लोग हमें पहचानने लगे और हमारे कार्यो की प्रशंसा भी की। हमें मुख्य अतिथि एवं सामूहिक कार्यो अपने नाम से इनवाइट में मिलना, जो कि हमारी समिति के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ आइडेंटिटी इज वेरी वल्नरेबल टू एवरीवन। मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय सचिव की सिंपल येट मैग्निफाइंग और डाइवर्सिफाइंग पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हूँ। इनके सुझाए की मांग का अनुसरण करते हुए समिति के माननीय अपना पूर्ण योगदान देना। इस सत्र में हमने कुछ माइलस्टोन अचीव किए हैं, जैसे सत्र दिवसीय शिवपुराण का सफल आयोजन, फर्स्ट टाइम एंटरटेनमेंट के लिए लेडीज डे आउट प्रोग्राम, मधुमेह उपकारा में रक्षा सूत्र बांधने का और नेत्रदान के नाम के लिए जागरूक करने का कार्यक्रम आदि। समिति इस वर्ष आदिवासी कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का विचार कर रही है और प्रभु इच्छा हुई तो यह हम यह कार्य भव्य रूप से कर पाएंगे। पिछले कई वर्षों से समिति महिला सशक्तिकरण के तहत सावन मेले का आयोजन करती आई है, पर इस वर्ष हमने पहली बार लगभग 30 साल के इतिहास में 30 स्टॉल्स फिट एंड अराउंड मजबूत हो गए और पहली बार हम शीतकालीन मेला आयोजित करने का विचार कर रहे हैं। मेरी हर कार्य में हमारी समिति की बहनों का पूर्ण सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारी सदैव यह कोशिश रहती है कि जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा हमें हमारी वरिष्ठ बहनों और संतर प्रमुखों से मिलती है उसे हम सफल रूप से निभा सकें। प्रॉपर गाइडेंस एंड प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से हमें हमारी क्षमताओं और प्रतिभाओं का ज्ञान नहीं होता, पर इस विषय में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे समिति के मंच से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी समिति में इतनी विलक्षण प्रतिभाएं हैं जिनके गाइडेंस में काम करते हुए मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मुझे मेरे प्रोफेसर डॉक्टर मिसेस मोहंती के कहे शब्द याद आए, खुदी को कर बुलंद लिखना कि हर तकलीफ से पहले खुदा को बदले से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपने अपने बाकी निजी कर्तव्यों के साथ हमें अपना सामाजिक कर्तव्य भी निभाना चाहिए। अगर हम चाहें तो अपने कार्यों से समाज में एक उदाहरण पेश कर सकते हैं जिससे इंस्पायर होकर लोग उसका अनुसरण करें और यह श्रृंखला इसी प्रकार आगे बढ़ने जाए। ये हमारे बहुत ही गौरव का पल है। इस सत्र में सबसे पहले हमने प्लास्टिक हटाओ अभियान के बारे में किया। प्लास्टिक की दुनिया में होने वाले प्रदूषण से बचाने का एक उपाय वीडियो बार बताया गया और जागरूकता फैलाने के लिए इसे फेसबुक इंस्टाग्राम आदि पर साझा किया। लाडली पड़ेगी पड़ेगी हम नाम रोशन करेगी, इसके तहत किताबों का खर्चा वहन किया।
नवरात्रि ने कन्या पूजन किया, वह बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। बच्चियों की सुरक्षा ने हम सभी ने अपने अपने घरों पर बर्ड हाउस बनाया और पानी के पात्र रखे। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण किया। हमारी समिति की संस्थापिका शारदा मोहन जी ने दुमका में एक नई शाखा का गठन किया। पर्यावरण सुरक्षा कर प्लास्टिक का बहिष्कार कर पेपर बैग बनाने का कार्य शुरू किया है। बाल विकास के तहत हमने बच्चों का समर कैंप आयोजित किया। आठवीं अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्रुप क्लास शुरू की गई। नानी भाई के माने थे हमने पिताओं सूप के साथ सज्जा के लिए दिए। सभी बहनों ने सिंह भाइयों के लिए अपने हाथों से राखी बनाकर उन्होंने भेजी। पीतल पट पर गो सेवा का कार्य किया गया। नवरात्रि के शुभ अवसर पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपावली में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के बुजुर्गों को मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। गोपालपुरी के अवसर पर 31 रुपये की धनराशि अनुदान में दी गई। देव दीपावली को धूमधाम से मनाई गई। एक छोटा कदम आध्यात्मक की ओर सप्त दिवसीय श्री पुराण कथा का ज्ञान रथ का आयोजन किया। पिटूरी की ठंड में जरूरतमंद को कंबल स्वेटर मोजा टोपी आदि दी गई। मासिक धर्म के दौरान होने वाली बीमारियों के लिए कामकर संस्था की मदद से अभियान आयोजित किया गया, जिसमें साफ सफाई खाने पीने के बारे में बताया गया और 45 हाइजीनिक किट बांटे गए। पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर 150 पीस कपड़े के धुले बांटे गए। पहली बार बेटी ब्याह प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को भरपूर मनोरंजन धमाकेदार प्रोग्राम। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमने मधुपुर उपग्राम में 250 अधिकारियों और बंदियों को रक्षा सूत्र बांधकर मुंह मिठा कराया गया और 5 श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तकें कार्यक्रम में 150 रुपये दी गई। इस कार्य की बहुत सराहना की गई। हर वर्ष नंद उत्सव, हाली मास, गणेश चतुर्थी, श्याम दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, 9 वर्ष पर वन भोज, होली मिलन, दिवाली आदि करते रहते हैं। इसी के साथ हमने विराम देते हैं। मधुस्थली विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है अभी आगाज है। तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जी।